हेलो दोस्तों, आज एक और मुहावरा आपके लिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और इसी मुहावरे पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वो अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में रहता था। वो हर रोज चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे। एकलव्य के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत ही आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा भी पक्षियों पर वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़े होकर उन युवकों को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा कि अगर मैं धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा हो। लेकिन समस्या तो ये थी कि उसे धनुर्विद्या सिखाएगा कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसीलिए उसे धनुर्विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ गया। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही वार में ढेर कर दिया था। उसने गुलेल के एक ही वार से कबूतर के जोड़ों को भी ढेर कर दिया था। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो जाऊं तो मैं हिरण और दूसरे पशु पक्षियों को भी आसानी से अपना शिकार बना सकता हूं। धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब भी हस्तिनापुर जाता तभी धनुर्विद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ही ध्यान से देखता। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठा कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धनुर्विद्या सीखना एक बहुत ही कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी और वो रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुर्विद्या में काफी सुधार आता चला गया। अपने परिश्रम और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज सुनकर ही एकलव्य उन पर बहुत ही सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के जैसे ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि लगातार अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है।